आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है वारिसू तो इस फिल्म को तमिल तेलुगु और हिंदी ये तीन वर्जन में रिलीज किया गया है जहाँ पे तेलुगु और हिंदी वर्जन है जिसको तेलुगु वर्जन में नाम 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 दिया है और हिंदी में सेम यानी कि नाम से ही रिलीज किया हुआ है हजार 2023 की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म का प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर मैं डिटेलिंग देने वाला हूँ साथ ही मैं फिल्म का एक डीप रिव्यू करने वाला हूँ जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा और एक्सप्लेनेशन करके दूंगा फिल्म का एनालिसिस होने वाला है फिल्म की स्टार का सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसेस के बारे में बातचीत करेंगे म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी जानकारी मिलने वाली है फिल्म से जुड़े जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ साथ में फिल्म कौन से ओटी कौन से सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी तमिल तेलुगु इन सभी वर्जन में देखने को मिलेगी बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली उसके ऊपर बातचीत करेंगे तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक जरूर बने रहिए रखिएगा तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं वारिसु जिसका हिंदी ट्रांसलेशन करें तो होता है वारिस ये एक 2023 की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको तमिल में वारिसु नाम दिया हुआ है तेलुगु में वारा सुडु और हिंदी में सेम नाम यानी कि वारिसु जहाँ पे तेलुगु और हिंदी डब्ड वर्जन है तमिल ओरिजिनल है फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया पेडी फिल्ली ने हरी असीस्वर सोलोमन ने इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग और स्क्रीन प्ले में मदद की हुई है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है दिलराजू और सीरीज ने जिन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 200 से 300 के में इस फिल्म को सड़सठ मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी किस मिनट की देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में थमन एस एस ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कम्पोज करके दिए हुए इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट है वो टी सीरीज वालों ने अपने पास रखे हुए तमिल तेलुगु हिंदी सभी वर्जन के लिए वहीं पे इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी है श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन और पीवीपी सिनेमास इस फिल्म का डिस्ट्रीब्यूट की करवाया हुआ है तमिल वर्जन में सेवन स्क्रीन स्टूडियो और रेड जॉइंट मूवीज ने मिलकर वहीं पे हिंदी वर्जन को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ए फिल्म्स ने माइस ने प्रेजेंट किया हुआ है और तेलुगु वर्जन को रिलीज करवाया हुआ है दिल राजू ने जो फिल्म के वन ऑफ दी प्रोड्यूसर भी है तो इस तरह से फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा रिलीज करवाया गया था लीड कास्ट की बात करें तो तलपति विजय आपको विजय राजेंद्र के रोल में देखने को मिलेंगे लीड एक्ट्रेस के तौर पर रश्मिका मंदना देखने को मिलेगी जिन्होंने दिव्या का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे शरद कुमार आपको राजेंद्र पालना स्वामी के रोल में देखने को मिलेंगे प्रभु ने डॉक्टर आनंद का रोल प्ले किया हुआ है जया सुधा ने सुधा राजेंद्रन का रोल प्ले किया हुआ है प्रकाश राज आपको तो जया प्रकाश के रोल में दिखाई देंगे श्रीकांत ने जय राजेंद्रन का रोल प्ले किया हुआ है सामने अजय राजेंद्रन का रोल प्ले किया हुआ है एस जी सूर्या को आदित्य मित्तल का रोल दिया

को तैयार किया गया था जहां पे सभी एक्टर्स आपको इस फिल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को थलपति 666 वर्क की टाइटल के साथ अनाउंस किया गया था 26 सितंबर 2021 को जहां पे ये थलपति की 6 छठवीं फिल्म थी वहीं पे वाम से पेडीवेली पहली बार किसी तमिल फिल्म को डायरेक्ट करेंगे साथ ही में दिलराजू काफी लंबे समय के बाद इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले पहली बार वहीं पे पेडीपली ने तमिल तेलुगु के कपहले थोला करके फिल्म बनाई हुई थी 2016 में कारथी और नागार्जुन को लेकर जहां पे इस फिल्म को वो पहले ही अनाउंस करने वाले थे लेकिन कोविड की वजह से चीज़ें सब बिगड़ गई और उसके बाद में कोविड के बाद इस फिल्म को थोड़ा लेट अनाउंस किया गया था तो इस तरह से फिल्म की अनाउंसमेंट की गई थी बाद में इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर काम किया गया टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर काम किया गया वैसे तो प्रोड्यूसर ने कहा था कि ये फिल्म पहले महेश बाबू अल्लू अर्जुन प्रभास रामचरण इन सभी को ऑफर किया गया था लेकिन ये सभी एक्टर अपनी कोई ना कोई फिल्म के साथ भी से वो इस फिल्म को बाद में तमिल सुपर स्टार को तैयार किया गया जहां पे के पे लेकिन कास्टिंग को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया गया उसके बाद में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करवाई गई थी जो पूजा सेरेमनी थी वो फिल्म की रखी गई थी छह अप्रैल दो को चेन्नई में फिल्म का पहला शेड्यूल है वही पे सेट किया गया था ईस्ट कोस्ट रोड चेन्नई me जहां पे उसको 15 अप्रैल तक कंप्लीट करवाया गया था उसके बाद में इस फिल्म को हैदराबाद में 75 परसेंट शूट करने का फैसला लिया था लेकिन विजय ने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट की कि वो इस फिल्म को तमिल में बनाए जिसके चलते जो तमिल के जो वर्कर है यानी कि फिल्म के लिए जो असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं टेक्निकल टीम के वर्कर है उनके पास कोविड के बाद थोड़ा कुछ प्रॉपर काम मिलेगा जिसके चलते उनका रोजाना चल पाएगा तो इन सभी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए बाद में फिल्म को पूरी तरह से चेन्नई में सेट किया गया So... Uh -huh. तीन जून को एक नया शेड्यूल स्टार्ट किया गया था चेन्नई में वैसे तो फिल्म को हैदराबाद में भी शूट किया हुआ था वहीं फिर फिल्म को जुलाई दो हजार पचास परसेंट जितनी शूटिंग कंप्लीट करवाई गई थी और इस फिल्म को काफी अलग अलग लोकेशंस में शूट किया हुआ था हैदराबाद में भी इस फिल्म का करीबन तीन से चार वीक का शेड्यूल रखा हुआ था वो करीबन चौथा शेड्यूल था उसके बाद विशाखापट्टनम में इस फिल्म को लेट जुलाई में स्टार्ट किया हुआ था और अगस्त में इस फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से एक लंबे पैमाने पर तैयार करने की फैसला

राजेंद्र यानी कि शरद कुमार एक रेनाउंड बिजनेसमैन है काफी बड़े बिजनेस है जहाँ पे वो उसके हैंड ओवर कर देते ग्रुप ऑफ कंपनीज उसके एक बेटे के नाम जहाँ पे दो बेटे उसके एक है श्याम दूसरा है श्रीकांत राजेंद्र का तीसरा बेटा भी है जिसका नाम है विजय राजेंद्र है, जो रोल विजय प्ले कर रहे हैं वहीं पे वहा पे कुछ अंडरस्टैंडिंग का इश्यू होता है विजय फैमिली से काफी अलग और दूर रहता है जब राजेंद्र डिसाइड करता है कि उसकी जो ये वारिस कौन बनेगा उसकी प्रॉपर्टी कौन संभालेगा तब इन सभी चीजों में फैमिली के टुकड़े हो जाते हैं। अब ये सभी चीजें विजय के हाथ में जाती है वो किस तरह से इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करेगा फैमिली को किस तरह से इकट्ठा करता है और इस्यू फैमिली इश्यू इस को कैसे सोल्व करेगा वही फिल्म की कहानी बनाती है वंस अगेन तलपते विजय अपने एलिमेंट्स के साथ अपने परफॉर्मेंस के साथ हमें बढ़िया तरीके से एक अच्छे खासे तरीके से एंटरटेन करते हुए नजर आते प्रॉपर फैमिली ड्रामा फिल्म थी जहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस काफी शानदार थी उनके वन लाइनर्स पंच डायलॉग एक्शन सिक्वेंस उनका स्क्रीन प्रेजेंस उनकी कॉमेडी टाइमिंग काफी बढ़िया तरीके से उन्होंने हैंडल किए हुई थी सेंटीमेंट सीन थे वहाँ पे वो काफी बढ़िया थे इसके अलावा कुछ चलाया। इस फिल्म में लाइटर नोट के साथ इमोशनल वर्क सीन भी वर्क कर जाते जो काफी बढ़िया थे इसके अलावा सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने भी काफी बढ़िया काम किया हुआ था फिल्म के एक्शन सिक्वेंस को जो फेमिली ड्रामा है उसको अच्छी तरह से हैंडल और एलिवेट किया हुआ था हाँ फिल्म की कहानी है जो रन टाइम है वो काफी लंबा है प्रिडिक्टेबल है इसके अलावा इस फिल्म की कहानी में जिस तरह से जो चीजें दिखाई हुई है वो काफी रूटीन और प्रिडिक्टेबल नजर आती है जिस तरह से नेरेट किया हुआ है वो नेरेटिंग स्टाइल पुरानी नजर आती है गानों को और छोटा किया जा सकता था कम गाने डाल सकते थे वीएफएक्स एफ थोड़ा बेटर किया जा सकता था रश्मिका मंदना का परफॉर्मेंस और बेहतर हो सकता था तो ये सभी चीजें जो फिल्म में बेटर की जा सकती थी वैसे तो रश्मि रश्मिका के पास वैसे कोई कुछ खास स्क्रीन स्पेस भी नहीं था कि उसमें वो करके दिखा पाए कुछ इसके अलावा इस फिल्म का जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो काफी हाई है प्रोडक्शन डिजाइन फिल्म के हर एक फ्रेम काफी ज़्यादा रिच नज़र नज़र आ आ रही थी। आ रही थी थी प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी एक लंबे और बड़े स्केल के साथ इस फिल्म को बनाया हुआ था विजुअल्स काफ़ी काफ़ी कलरफुल और काफी बढ़िया नज़र आ रहे थे एक अच्छी खासे वाइब दे रहे थे सिनेमेटोग्राफर ने इन सभी चीजों को काफी बेहतर वे में कैप्चर किया हुआ है जिस तरह से इस फिल्म में विजय को जिस तरह से इस फिल्म में लोकेशन को उन्होंने शोकेस किया हुआ था फिल्म के मूड को जिस तरह से कैप्चर किया हुआ था वो बढ़िया था म्यूजिक में इस स्थम ने

जनवरी 2023 को तमिल में 13 जनवरी 2023 को हिंदी में वहीं पे 14 जनवरी 2023 को तेलुगु वर्जन में तो ही अलग अलग रिलीज डेट के ऊपर इस फिल्म को रिलीज किया गया था जहां पे तमिल तेलुगु और हिंदी तीनों ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स मिला हुआ है इस फिल्म को पे फिलहाल में वोट मिले हुए हैं जिसमें सात पेटे की अच्छी रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहां पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला लेकिन जो बॉक्स ऑफिस है उसने तो छप्पड़ फाड़ कलेक्शन करके दिया हुआ है और इसी वजह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के मामले में एक अच्छे खासे रिकॉर्ड दर्ज किए हुए और

चौथे तो दिन सात करोड़ चौबीस तो लाख का इस तरह से इस फिल्म ने करीबन बयालीस करोड़ तिरपन लाख का कलेक्शन किया हुआ है तमिल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर जहां पे इस फिल्म ने वो फिल्म के साथ एक क्रेज किया हुआ था वैसे

जहाँ पे तेलुगू और हिंदी डब वर्जन है तमिल ओरिजिनल है फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ वामसी पेड़ी पिल्ली ने हरी और सोलोमन ने इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग और स्क्रीन प्ले में मदद की हुई है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ दिल राजू और सीरीज ने जिन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 200 से 300 करोड़ के बजट में बनाई हुई है इस फिल्म को इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी वो कार्तिक पालानी ने की हुई है एडिटिंग प्रवीण केल ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे सेतालीस मिनट की देखने को मिलेगी

वहीं पे हिंदी वर्जन को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ए फिल्म्स ने ने प्रेजेंट किया हुआ है और तेलगु वर्जन को रिलीज करवाया हुआ है दिल राजू ने जो फिल्म के वन ऑफ दी प्रोड्यूसर भी है तो इस तरह से इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा रिलीज करवाया गया था लीड कास्ट की बात करें तो तलपति विजय आपको विजय राजेंद्र के रोल में देखने को मिलेंगे लीड एक्ट्रेस के तौर पर रश्मिका मंदना देखने को मिलेगी जिन्होंने दिव्या का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे शरद कुमार आपको राजेंद्र पालना स्वामी के रोल में देखने को मिलेंगे प्रभु ने डॉक्टर आनंद का रोल प्ले किया हुआ है जया सुधा ने सुधा राजेंद्रन का रोल प्ले किया हुआ है प्रकाश राज आपको जया प्रकाश के रोल में दिखाई देंगे श्रीकांत ने जय राजेंद्रन का रोल प्ले किया हुआ है सामने अजय राजेंद्रन का रोल प्ले किया हुआ है एस जी सूर्या को आदित्य मित्तल का रोल दिया

अलावा भरत रेड्डी भी देखने को मिलेंगे हर्षिता अद्विता ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे संजना सरत ने इस फिल्म में मैथ्यू का रोल प्ले किया हुआ है पोन्डी रवि को ईश्वर का रोल दिया गया था कि कि विजय ने कैम्यूपीरियंस दिया हुआ है जानी मास्टर ने थी गाने में कैम्यपीरियंस दिया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म की पूरी को तैयार किया गया था जहाँ पे सभी एक्टर्स आपको इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को थलपति टाइटल के साथ अनाउंस किया गया था ही पे दिल राजू काफी लंबे समय के बाद इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले पहली बार वहीं पे पेली ने तमिल तेलगु के पहले थोला करके फिल्म बनाई हुई थी दो में कार्ती और नागार्जुन को लेकर जहां पे इस फिल्म को वो पहले ही अनाउंस करने वाले थे लेकिन

कास्टिंग को तैयार किया गया जहाँ पे एक्ट्रेस के तौर पे पहले पूजा हेगड़ी को लिया जाने वाला था लेकिन बाद में इसको चेंज करते हुए रश्मि का मंदना को लिया गया तो इसी तरह से कास्टिंग को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया गया उसके बाद में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करवाई गई थी जो पूजा सेरेमनी थी वो फिल्म की रखी गई थी छः अप्रैल दो को चेन्नई में फिल्म का पहला शेड्यूल वहीं पे सेट किया गया था ईस्ट कोस्ट रोड चेन्नई में जहां पे उसको 15 अप्रैल तक कंप्लीट करवाया गया था उसके बाद में इस फिल्म को हैदराबाद में 75 परसेंट शूट करने का फैसला लिया था लेकिन विजय ने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट की कि वो इस फिल्म को तमिल में बनाए जिसके चलते जो तमिल के जो वर्कर है यानी कि फिल्म के लिए जो असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं टेक्निकल टीम के वर्कर है उनके पास कोविड के बाद थोड़ा कुछ प्रॉपर काम मिलेगा जिसके चलते उनका रोजाना चल पाएगा तो इन सभी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए बाद में फिल्म को पूरी तरह से चेन्नई में सेट किया गया था uh -huh. तीन जून को एक नया शेड्यूल स्टार्ट किया गया था चेन्नई में वैसे तो फिल्म को हैदराबाद में भी शूट किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म को जुलाई 2021 सॉरी 22 तक पूरी तरह से करीबन 50 परसेंट जितनी शूटिंग कंप्लीट करवाई गई थी और इस फिल्म को काफी अलग अलग लोकेशंस में शूट किया हुआ था हैदराबाद में भी इस फिल्म का करीबन तीन से चार वीक का शेड्यूल रखा हुआ था वो करीबन चौथा शेड्यूल था उसके बाद विशाखापट्टनम में इस फिल्म को लेट जुलाई में स्टार्ट किया हुआ था और अगस्त में इस फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से एक लंबे पैमाने पर तैयार करने की फैसला

जहा पे सभी के लिरिक्स विवेक ने लिखे हुए गानों को दो हजार में रिकॉर्ड किया गया था काफी डिफरेंट डिफरेंट स्टूडियोज में क्रिएट किया हुआ इन सभी गानों को जहाँ पे गानों की लेंथ है वो बाईस मिनट पंद्रह सेकंड है चौबीस दिसंबर दो को इन सभी गानों को विडियो फॉर्मेट में रिलीज करवा दिया गया था जहाँ पे टी सीरीज वालों ने सभी वजन तमिल तेलुगु और हिंदी सभी वजन के गानों के राइट अपने पास ही रखे हुए पहला गाना है रंजिता में दूसरा गाना है ती तलपति तीसरा गाना है सोल ऑफ वालीसू चौथा गाना है

वो उसके हैंड ओवर कर देते ग्रुप ऑफ कंपनीज उसके एक बेटे के नाम जहाँ पे दो बेटे उसके एक है श्याम दूसरा है श्रीकांत राजेंद्र का तीसरा बेटा भी है जिसका नाम है विजय राजेंद्र जो रोल विजय प्ले कर रहे हैं वहीं पे वहाँ पे कुछ अंडरस्टैंडिंग का इश्यू होता है विजय फैमिली से काफी अलग और दूर रहता है जब राजेंद्र डिसाइड करता है कि उसकी जो ये वारिस कौन बनेगा उसकी प्रॉपर्टी कौन संभालेगा तब इन सभी चीजों में फैमिली के टुकड़े हो जाते हैं। अब ये सभी चीजें विजय के हाथ में जाती है वो किस तरह से इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करेगा फैमिली को किस तरह से इकट्ठा करता है और इस्यू फैमिली इश्यू इस को कैसे सोल्व करेगा वही फिल्म की कहानी बनाती है वंस अगेन थल विजय अपने एलिमेंट्स के साथ अपने परफॉर्मेंस के साथ हमें बढ़िया तरीके से एक अच्छे खासे तरीके से एंटरटेन करते हुए नजर आते प्रॉपर फेमिली ड्रामा फिल्म थी जहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस काफी शानदार थी उनके वन लाइन पंच डायलॉग एक्शन सिक्वेंस उनका स्क्रीन प्रेजेंस उनकी कॉमेडी टाइमिंग काफी बढ़िया तरीके से उन्होंने हैंडल की हुई थी सेंटिमेंट सीन थे वहाँ पे वो काफी बढ़िया थे इसके अलावा कुछ लाया। इस फिल्म में लाइटर नोट के साथ इमोशनल वर्क सीन भी वर्क कर जाते जो काफी बढ़िया थे इसके अलावा सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने भी काफी बढ़िया काम किया हुआ था फिल्म की एक्शन सिक्वेंस को जो फेमिली ड्रामा है उसको अच्छी तरह से हैंडल और एलिवेट किया हुआ था हाँ फिल्म की कहानी है जो रन टाइम है वो काफी लंबा है प्रेडिक्टेबल है इसके अलावा इस फिल्म की कहानी में जिस तरह से जो चीजें दिखाई हुई है वो काफी रूटीन और प्रेडिक्टेबल नजर आती है जिस तरह से नरेट किया हुआ है वो नरेटिंग स्टाइल पुरानी नजर आती है गानों को और छोटा किया जा सकता था कम गाने डाल सकते थे वीएफएक्स थोड़ा बेटर किया जा सकता था रश्मि मंदना का परफॉर्मेंस और बेहतर हो सकता था तो ये सभी चीजें जो फिल्म में बेटर की जा सकती थी वैसे तो रश्मि रश्मिका के पास वैसे कोई कुछ खास स्क्रीन स्पेस भी नहीं था उसमें वो करके दिखा पाए कुछ

जनवरी 2023 को तमिल में 13 जनवरी 2023 को हिंदी में वहीं पे 14 जनवरी 2023 को तेलगू वर्जन में तो ही अलग अलग रिलीज डेट के ऊपर इस फिल्म को रिलीज किया गया था जहा पे तमिल तेलुगु और हिंदी तीनों ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ है इस फिल्म को आई एम डीवी कर बाईस हजार वोट मिले हुए हैं जिसमें सात पट की अच्छी रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहा पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला लेकिन जो बॉक्स ऑफिस है उसने तो छप्पड़ फाड़ कलेक्शन करके दिया हुआ है और इसी वजह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के मामले में एक अच्छे खासे रिकॉर्ड दर्ज किए हुए और सभी चीजें फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से एक लंबे रन के साथ अगर ये चलती है तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक बड़ा कलेक्शन कर सकती है वैसे हिंदी वर्जन में इस फिल्म ने पहले दिन सिर्फ साठ लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ है रिलीज तो अच्छी मिली हुई है ये फिल्म के द्वारा करीबन हजार पंद्रह इस फिल्म को शो दिलवाए गए थे तो अच्छे शो है वैसे इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो तमिलनाडु में पहले दिन करीबन इस फिल्म ने 20 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था दूसरे दिन करीब करोड़ का तीसरे दिन सात करोड़ ग्यारह लाख का चौथे दिन सात करोड़ चौबीस लाख का इस तरह से इस फिल्म ने करीबन बयालीस करोड़ तिरपन लाख का कलेक्शन किया हुआ है तमिल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म ने फिल्म के साथ एक क्रेस किया हुआ था वैसे वारिस फिल्म को काफी अच्छी खासी प्राइस में बेचा हुआ है सभी वर्जन में वहीं पे तेलुगु वर्जन ने भी फिल्म का एक डिसेंट स्टार्ट लिया हुआ है वैसे इस फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अभी तक बताया जा रहा है सभी दिनों का वो करीबन 125 करोड़ 100 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है इसमें कितने क्या ऊपर नीचे है वो आने वाले समय में पता चलेगा अब हम बात करें इस फिल्म के ओ टी के ऊपर तो इस फिल्म के तमिल तेलुगु वर्जन के जो सैटेलाइट राइट्स है वो सन टीवी के पास, है, वो के पास है वहीं पे हिंदी वर्जन के गोलमाइस वालों ने खरीदे और बेचते है यूट्यूब पे उस फिल्म को रिलीज करवाते हैं वो आने वाले समय में पता चलेगा तो अब इस फिल्म को जब कभी भी थिएटर से हटाया जाएगा करीबन दो ढाई महीने के बाद इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम के ऊपर तमिल तेलुगु वर्जन में वारिस और वारास नाम के साथ

जहाँ पे तेलुगु और हिंदी डब डब वर्जन है तमिल ओरिजिनल है फिल्म को लिखा हुआ डायरेक्ट किया पेड़ी ने हरी और सोलोमन ने इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग और स्क्रीन प्ले में मदद की हुई है

इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स है वो टी सीरीज वालों ने अपने पास रखे हुए तमिल तेलुगु हिंदी सभी वर्जन के लिए वहीं पे इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी है श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन और पीवीपी सिनेमास इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट की करवाया हुआ है तमिल वर्जन में सेवन स्क्रीन स्टूडियो और रेड जैंट मूवीज ने मिलकर वहीं पे हिंदी वर्जन को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ए फिल्म्स ने रिलीज करवाया गया तो इस इस था लीड कास्ट की बात करें तो तलपति विजय आपको विजय राजेंद्र के रोल में देखने को मिलेंगे लीड एक्ट्रेस के तौर पर रश्मिका वंदना देखने को मिलेगी जिन्होंने दिव्या का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे शरद कुमार आपको राजेंद्र पालना स्वामी के रोल में देखने को मिलेंगे प्रभु ने डॉक्टर ने किया ने अजय राजेंद्र एस जी सूर्या को आदित्य मित्तल का रोल दिया गया था योगी बाबू खिच्चा के रोल में देखने को मिलेंगे संगीता क्रिस ने इस फिल्म में आर्तिका का रोल प्ले किया हुआ है संयुक्ता सनमुगनाथन ने इस सुधा फिल्म में अजय की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे संजना तिवारी ने रिया का रोल प्ले किया हुआ था नंदनी राय ने इस फिल्म में स्मिता का रोल प्ले किया हुआ है गणेश बेट्रीम ने इस फिल्म में मुकेश का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे श्रीमन ने थम्बी दुराई का रोल प्ले किया हुआ है बीटीवी गणेश का रोल दिया गया था मीम ने द यूनियन लीडर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा भरत रेड्डी भी देखने को मिलेंगे हर्षिता अद्विता ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे संजना सरत ने इस फिल्म में विजय का फ्रेंड प्ले किया हुआ है विजय का एक और फ्रेंड था जिसका रोल ने प्ले किया हुआ था सुमन ने गौतम का रोल प्ले किया हुआ है ने इस फिल्म में यानी कि मैथ्यू वर्ग ने मैथ्यू का रोल प्ले किया हुआ है पोंडी रवि को ईश्वर का रोल दिया गया था कि विजय ने दिया हुआ है जानी मास्टर ने थी तलपति गाने में केव्यूपीरियंस दिया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म की पूरी कास्ट को तैयार किया गया था जहाँ पे सभी एक्टर्स आपको इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले करते हुए नजर आएंगे डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को थलपति विजय 661 वर्क के टाइटल के साथ अनाउंस किया गया था 26 सितंबर 2021 को जहाँ पे ये थलपति की 66वीं फिल्म थी वहीं पे वाम पेडीवेली पहली बार किसी तमिल फिल्म को डायरेक्ट करेंगे साथ ही में दिलराजू काफी लंबे समय के बाद इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले पहली बार वहीं पे पेडीपल्ली ने तमिल तेलुगु के कपेले थोला करके फिल्म बनाई हुई थी 2016 में कारथी और नागार्जुन को लेकर जहां पे इस फिल्म को वो पहले ही अनाउंस करने वाले थे लेकिन कोविड की वजह से चीज़ें सब बिगड़ गई और उसके बाद में कोविड के बाद इस फिल्म को थोड़ा लेट अनाउंस किया गया था तो इस तरह से फिल्म की अनाउंसमेंट की गई थी बाद में इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर काम किया गया टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर काम किया गया वैसे तो प्रोड्यूसर ने कहा था कि फिल्म पहले महेश बाबू अल्लू अर्जुन प्रभास रामचरण इन सभी को ऑफर किया गया था लेकिन ये सभी एक्टर अपनी कोई ना कोई फिल्म के साथ बीज थे से वो इस फिल्म को बाद में तमिल सुपरस्टार स्टार के साथ बनाने का फैसला लिया और इस तरह से इस फिल्म की कास्टिंग को तैयार किया गया जहां पे एक्ट्रेस के तौर पे पहले पूजा हेगड़े को लिया जाने वाला था लेकिन बाद में इसको चेंज करते हुए रश्मि का मंदना भी लिया गया तो इसी तरह से कास्टिंग को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया गया उसके बाद में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करवाई गई थी जो पूजा सेरेमनी थी वो फिल्म की रखी गई थी 6 अप्रैल 2022 को चेन्नई में फिल्म का पहला शेड्यूल है पे सेट किया गया था ईस्ट कोस्ट रोड चेन्नई में जहाँ पे उसको पंद्रह अप्रैल तक कम्प्लीट करवाया गया था उसके बाद में इस फिल्म को हैदराबाद में 75 परसेंट शूट करने का फैसला लिया था लेकिन विजय ने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट की कि वो इस फिल्म को तमिल में बनाए जिसके चलते जो तमिल के जो वर्कर है यानी कि फिल्म के लिए जो असिस्टेंट डायरेक्टर होते टेक्निकल टीम के वर्कर है उनके पास कोविड के बाद थोड़ा कुछ प्रॉपर काम मिलेगा जिसके चलते उनका रोजाना चल पाएगा तो इन सभी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए बाद में फिल्म को पूरी तरह से चेन्नई में सेट किया गया था तीन जून को एक नया शेड्यूल स्टार्ट किया गया था चेन्नई में वैसे तो फिल्म को हैदराबाद में भी शूट किया हुआ था वहीं पे इस फिल्म को जुलाई 2021 सॉरी 22 तक पूरी तरह से करीबन 50 परसेंट जितनी शूटिंग कंप्लीट करवाई गई थी और इस फिल्म को काफी अलग अलग लोकेशंस में शूट किया हुआ था हैदराबाद में भी इस फिल्म का करीबन तीन से चार वीक का शेड्यूल रखा हुआ था वो करीबन चौथा शेड्यूल था उसके बाद विशाखापट्टनम में इस फिल्म को लेट जुलाई में स्टार्ट किया हुआ था और अगस्त में इस फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से एक लंबे पैमाने पर तैयार करने की फैसला

जहाँ पे सभी के लिरिक्स विवेक ने लिखे हुए गानों को दो हजार में रिकॉर्ड किया गया था रिलीज करवा दिया गया था जहाँ पे टी सीरीज वालों ने सभी वजन तमिल तेलुगु और हिंदी सभी वजन के गानों के राइट अपने पास ही रखे हुए पहला गाना है रंजीत तमे दूसरा गाना है ती तलपति तीसरा गाना है सोल ऑफ वारिस चौथा गाना है चीमी की पोनू पाच वगैरह है वाथ लाइवा इसके अलावा एक एक्सटेंडेड केमियो एक्सटेंडेड साउंड ट्रैक है जिसका नाम है सेलिब्रेशन ऑफ वारिस होती है सभी गाने आपको फिलहाल में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को और देखने को मिल जाएंगे अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर राजेंद्र यानी कि शरद कुमार एक रिनोव बिजनेस मैन है काफी बड़े बिजनेस मैन है जहाँ पे वो उसके हैंड ओवर कर देते एक बेटे के नाम जहाँ पे दो बेटे उसके एक है श्याम दूसरा है श्रीकांत राजेंद्र का तीसरा बेटा भी है जिसका नाम है विजय राजेंद्र जो रोल विजय प्ले कर रहे है वही पे वहाँ पे कुछ अंडरस्टैंडिंग का इश्यू होता है विजय फैमिली से काफी अलग और दूर रहता है जब राजेंद्र डिसाइड करता है कि उसकी जो ये वारिस कौन बनेगा उसकी प्रॉपर्टी कौन सा मालेगा तब इन सभी चीजों में फैमिली के टुकड़े हो जाते हैं। अब ये सभी चीजें विजय के हाथ में जाती है वो किस तरह से इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करेगा फैमिली को किस तरह से इकट्ठा करता है और यू फैमिली इश्यू को कैसे सोल्व करेगा वही फिल्म की कहानी बनाती है वंस अगेन थलपते विजय अपने एलिमेंट्स के साथ अपने परफॉर्मेंस के साथ हमें बढ़िया तरीके से एक अच्छे खासे तरीके से एंटरटेन करते हुए नजर आते प्रॉपर फैमिली ड्रामा फिल्म थी जहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार थी उनके वन लाइनर्स पंच डायलॉग एक्शन सीक्वेंस उनका स्क्रीन प्रेजेंस उनकी कॉमेडी टाइमिंग काफी बढ़िया तरीके से उन्होंने हैंडल की हुई थी सेंटीमेंट सीन थे वहाँ पे वो काफ़ी बढ़िया थे इसके अलावा कुछ इस फिल्म में लाइटर नोट के साथ इमोशनल वर्क सीन भी वर्क कर जाते जो काफी बढ़िया थे इसके अलावा सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने भी काफी बढ़िया काम किया हुआ था फिल्म के एक्शन सिक्वेंस को जो फैमिली ड्रामा है उसको अच्छी तरह से हैंडल और एलिवेट किया हुआ था फिल्म की कहानी है जो रन टाइम है वो काफ़ी लंबा है प्रेडिक्टेबल है इसके अलावा इस फिल्म की कहानी में जिस तरह से जो चीज़ें दिखाई हुई है वो काफ़ी रूटीन और प्रेडिक्टेबल नज़र आती है जिस तरह से नेरेट किया हुआ है वो नेरेटिंग स्टाइल पुरानी नज़र आती है गानों को और छोटा किया जा सकता था कम गाने डाल सकते थे वीएफएक्स थोड़ा बेटर किया जा सकता था रश्मिका मंदना का परफॉर्मेंस और बेहतर हो सकता था तो ये सभी चीज़ें जो फिल्म में बेटर की जा सकती थी वैसे तो रश्मि रश्मिका के पास वैसे कोई कुछ खास स्क्रीन स्पेस भी नहीं था उसमें वो करके दिखा पाए कुछ इसके अलावा इस फिल्म का जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो काफी हाई है प्रोडक्शन डिजाइन फिल्म के हर एक फ्रेम काफी ज्यादा रिच नजर आ रही थी प्रोडक्शन वैल्यू काफी मैग्निफिसेंट नजर आ रही थी एक लंबे और बड़े स्केल के साथ इस फिल्म को बनाया हुआ था विजुअल्स काफी कलरफुल और काफी बढ़िया नजर आ रहे थे एक अच्छी खासी वाइब दे रहे थे सिनेमेटोग्राफर ने इन सभी चीजों को काफी बेहतर वे में कैप्चर किया हुआ है जिस तरह से इस फिल्म में विजय को जिस तरह से इस फिल्म में लोकेशन को उन्होंने शोकेस किया हुआ था फिल्म के मूड को जिस तरह से कैप्चर किया हुआ था वो बढ़िया था म्यूजिक में एस एस ने

जनवरी 2023 को तमिल में 13 जनवरी 2023 को हिंदी में वहीं पे 14 जनवरी 2023 को तेलुगु वर्जन में तो ही, अलग अलग रिलीज डेट के ऊपर इस फिल्म को रिलीज किया गया था जहाँ पे तमिल तेलुगु और हिंदी तीनों ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला हुआ है इस फिल्म को IMDb पे करीबन फिलहाल में 22,000 वोट मिले हुए हैं जिसमें सात पॉइंट एक की अच्छी रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहां पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला लेकिन जो बॉक्स ऑफिस है उसने तो छप्पड़ फाड़ कलेक्शन करके दिया हुआ है और इसी वजह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के मामले में एक अच्छे खासे रिकॉर्ड दर्ज किए हुए और

चौथे तो दिन सात करोड़ चौबीस लाख का इस, इस तरह से इस फिल्म ने करीबन बयालीस करोड़ तिरपन लाख का कलेक्शन किया हुआ है तमिल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर जहां पे इस फिल्म ने वो फिल्म के साथ एक क्रेज किया हुआ था वैसे वारी वारिस फिल्म को काफी अच्छी खासी प्राइस में बेचा हुआ है सभी वर्जन में वहीं पे तेलुगु वर्जन ने भी फिल्म का एक डिसेंट स्टार्ट लिया हुआ है वैसे इस फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन अभी तक बताया जा रहा है सभी दिनों का वो करीबन 125 करोड़ 100 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है अब इसमें कितने क्या ऊपर नीचे वो आने वाले समय में पता चलेगा अब हम बात करें इस फिल्म के ओ टी के ऊपर तो इस फिल्म के तमिल

इंग्लिश सब टाइटल देखने को मिलेगी साथ ही में इस फिल्म को जब हिंदी डब में रिलीज किया जाएगा तब देखने वाली बात यह कि के द्वारा इसको पे प्रीमियर करवाया जाता है या नहीं अदरवाइज के ऊपर बातचीत करें तो सन पिक्चर्स की तमिल और तेलुगु वर्जन की जो चैनल है वहाँ पर इस फिल्म को वारिस और वारास नाम के साथ बिल्कुल फ्री में तमिल और तेलुगु वर्जन में प्रीमियर करवाया जाएगा वहीं पर इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन को थिएट्रिकल रिलीज के पास सात महीने के बाद आप ऑफिशियली गोलमाइंस के टेलीविजन चैनल के

जहाँ पे तेलुगु और हिंदी डब्ड वर्जन है तमिल ओरिजिनल है फिल्म को लिखा और डिरेक्ट किया हुआ वामसी पेडी फिल्म ने हरी असिस और सोलोमन ने इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग और स्क्रीन प्ले में मदद की हुई है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ दिलराजू और सीरीज ने जिन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 200 से 300 करोड़ के बजट में बनाई हुई है इस फिल्म को इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी वो म्यूजिक डिपार्टमेंट में थमन एस एस ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग दोनों कम्पोज करके दिए हुए इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स है वो टी सीरीज वालों ने अपने पास रखे हुए तमिल तेलुगु हिंदी सभी वर्जन के

लीड कास्ट की बात करें तो तलपति विजय आपको विजय राजेंद्र के रोल में देखने को मिलेंगे लीड एक्ट्रेस के तौर पर रश्मि का वंदना देखने को मिलेगी जिन्होंने दिव्या का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे शरद कुमार आपको राजेंद्र पालना स्वामी के रोल में देखने को मिलेंगे प्रभु ने डॉक्टर आनंद का रोल प्ले किया हुआ है एस जी सूर्या को आदित्य मित्तल का रोल दिया गया था योगी बाबू किच्चा के रोल में देखने को मिलेंगे संगीता क्रिस्त ने इस फिल्म में आरतिका का रोल प्ले किया हुआ है संयुक्ता मुगनाथन ने इस फिल्म में अजय की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे संजना तिवारी ने रिया का रोल प्ले किया हुआ था नंदनी राय ने इस फिल्म में स्मिता का रोल प्ले किया हुआ है गणेश वेटरी मारन ने इस फिल्म में मुकेश का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे श्रीमन ने थम्बी दुराई का रोल प्ले किया हुआ है वी टीवी गणेश को वेलराज का रोल दिया गया था मीम ने द यूनियन लीडर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा भरत रेड्डी भी देखने को मिलेंगे हर्षिता अद्विता ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे संजना सरत ने इस फिल्म में विजय का फ्रेंड प्ले किया हुआ है विजय का एक और फ्रेंड था जिसका रोल सती

तो इस फिल्म को थलपति 661 शिक वर्क के टाइटल के साथ अनाउंस किया गया था 26 सितंबर 2021 को जहां पे ये थलपति की 66वीं फिल्म थी वहीं पे वाम पेडीवेली पहली बार किसी तमिल फिल्म को डायरेक्ट करेंगे साथ ही में दिलराजू काफी लंबे समय के बाद इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले पहली बार वहीं पे पेडिपली ने तमिल तेलुगु कई कपेले तोला करके फिल्म बनाई हुई थी 2016 में कारथी और नागार्जुन को लेकर जहा पे इस फिल्म को वो पहले ही अनाउंस करने वाले थे लेकिन कोविड की वजह से चीज ये सब बिगड़ गई और उसके बाद में कोविड के बाद इस फिल्म को थोड़ा लेट अनाउंस किया गया था तो इस तरह से फिल्म के की अनाउंसमेंट की गई थी बाद में इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर काम किया गया टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर काम किया गया वैसे तो प्रोड्यूसर ने कहा था कि ये फिल्म पहले महेश बाबू अल्लू अर्जुन प्रभास रामचरण इन सभी को ऑफर किया गया था लेकिन ये सभी एक्टर अपनी कोई ना कोई फिल्म के साथ बीच जैसे वो इस फिल्म को बाद में तमिल सुपरस्टार स्टार विजय के साथ बनाने का फैसला लिया और इस तरह से इस फिल्म की कास्टिंग को तैयार किया गया जहाँ पे एक्ट्रेस के तौर पे पहले पूजा हेगड़े को लिया जाने वाला था लेकिन बाद में इसको चेंज करते हुए रश्मि का को को लिया गया गया तो इसी तरह से कास्टिंग को पूरी तरह से से कास्टिंग पूरी कंप्लीट करवाया गया। उसके बाद में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करवाई गई थी जो पूजा सेरेमनी थी वो फिल्म की रखी गई थी छे अप्रैल दो को चेन्नई में फिल्म का पहला शेड्यूल है वही पे सेट किया गया था ईस्ट कोस्ट रोड चेन्नई में जहाँ पे उसको पंद्रह अप्रैल तक कम्प्लीट करवाया गया था उसके बाद में इस फिल्म को हैदराबाद में 75 शूट करने का फैसला लिया था, टेक्निकल टीम के वर्कर है उनके पास कोविड के बाद थोड़ा कुछ प्रॉपर काम मिलेगा जिसके चलते उनका रोजाना चल पाएगा तो इन सभी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते बाद में फिल्म को पूरी तरह से चेन्नई में सेट किया गया था तीन जून को एक नया शेड्यूल स्टार्ट किया गया था चेन्नई में वैसे तो फिल्म को हैदराबाद में भी शूट किया हुआ था वहीं इस फिल्म को जुलाई 2021 हजार 22 तक पूरी तरह से करीबन 50 परसेंट जितनी शूटिंग कंप्लीट करवाई गई थी और इस फिल्म को काफी अलग अलग लोकेशंस में शूट किया हुआ था हैदराबाद में भी इस फिल्म का करीबन तीन से चार वीक का शेड्यूल रखा हुआ था वो करीबन चौथा शेड्यूल था उसके बाद विशाखापट्टनम में इस फिल्म को लेट जुलाई में स्टार्ट किया हुआ था और अगस्त में इस फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से एक लंबे पैमाने पर तैयार करने की फैसला

जहाँ पे सभी के लिरिक्स विवेक ने लिखे हुए गानों को में किया गया था। थे वो 22, 15 24 दो हजार बाईस को इन सभी गानों को वीडियो डियो डियो में करवा दिया गया था जहाँ पे टी सीरीज वालों ने सभी वजन तमिल तेलुगु और हिंदी सभी वजन के गानों के राइट्स अपने पास ही रखे हुए पहला गाना है रंजित में दूसरा गाना है ती तलपति तीसरा गाना है ऑफ वारिशू चौथा गाना है कीमी की पोनू पाचवा गाना है वाथ इसके अलावा एक एक्सटेंडेड केमियो एक्सटेंडेड साउंड ट्रैक है जिसका नाम है सेलिब्रेशन ऑफ वारिस होती है सभी गाने आपको फिलहाल में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को और देखने को मिल जाएंगे अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर राजेंद्र यानी कि शरद कुमार एक रिनोड बिजनेस मैन है काफी बड़े बिजनेस मैन है जहाँ पे वो उसके हैंड ओवर कर देते ग्रुप ऑफ कंपनीज उसके एक बेटे के नाम जहाँ पे दो बेटे उसके एक है श्याम दूसरा है श्रीकांत राजेंद्र का तीसरा बेटा भी है जिसका नाम है विजय राजेंद्र जो रोल विजय प्ले कर रहे हैं वही पे वहाँ पे कुछ अंडरस्टैंडिंग का इश्यू होता है विजय फैमिली से काफी अलग और दूर रहता है जब राजेंद्र डिसाइड करता है कि उसकी जो ये वारिस कौन बनेगा उसकी प्रॉपर्टी कौन संभालेगा तब इन सभी चीजों में फैमिली के टुकड़े हो जाते अब ये सभी चीज़ें विजय के हाथ में जाती है वो किस तरह से इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करेगा फैमिली को किस तरह से इकट्ठा करता है और इस्यू फैमिली इश्यू को कैसे सोल्व करेगा वही फिल्म की कहानी बनाती है वंस अगेन तलपते विजय अपने एलिमेंट्स के साथ अपने परफॉर्मेंस के साथ हमें बढ़िया तरीके से एक अच्छे खासे तरीके से एंटरटेन करते हुए नजर आते हैं प्रॉपर फैमिली ड्रामा फिल्म थी जहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार थी उनके वन लाइनर्स पंच डायलॉग एक्शन सीक्वेंस उनका स्क्रीन प्रेजेंस उनकी कॉमेडी टाइमिंग काफी बढ़िया तरीके से उन्होंने हैंडल की हुई थी सेंटीमेंट सीन थे वहाँ पे वो काफ़ी बढ़िया थे इसके अलावा कुछ इस फिल्म में लाइटर नोट के साथ इमोशनल वर्क सीन भी वर्क कर जाते जो काफ़ी बढ़िया थे इसके अलावा सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने भी काफी बढ़िया काम किया हुआ था फिल्म के एक्शन सिक्वेंस को जो फैमिली ड्रामा है उसको अच्छी तरह से हैंडल और एलिवेट किया हुआ था हाँ फिल्म की कहानी है जो रन टाइम है वो काफ़ी लंबा है प्रिडिक्टेबल है इसके अलावा इस फिल्म की कहानी में जिस तरह से जो चीज़ें दिखाई हुई है वो काफ़ी रूटीन और प्रिडिक्टेबल नज़र आती है जिस तरह से नेरेट किया हुआ है वो नेरेटिंग स्टाइल पुरानी नज़र आती है गानों को और छोटा किया जा सकता था कम गाने डाल सकते थे वीएफएक्स थोड़ा बेटर किया जा सकता था रश्मिका मंदना का परफॉर्मेंस और बेहतर हो सकता था तो ये सभी चीज़ें जो फिल्म में बेटर की जा सकती थी वैसे तो रश्मि रश्मिका के पास वैसे कोई कुछ खास क्रीन स्पेस भी नहीं था कि उसमें वो करके दिखा पाए कुछ इसके अलावा इस फिल्म का जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो काफी हाई है प्रोडक्शन डिजाइन आ, आ, आ रहे, थी। एक अच्छे वाइब दे रहे थे सिनेमेटोग्राफर ने इन सभी चीजों को काफी बेहतर वे में कैप्चर किया हुआ है जिस तरह से इस फिल्म में विजय को जिस तरह से इस फिल्म में लोकेशन को उन्होंने शोकेस किया हुआ था फिल्म के मूड को जिस तरह से कैप्चर किया हुआ था वो बढ़िया था म्यूजिक में एस स्तम ने

उन्होंने रन टाइम काफ़ी ज़्यादा लंबा रख दिया जिस वजह से ये सभी चीज़ें थोड़ी कसोट होती तो और बेहतर हो सकती थी ओवरऑल वारिस वो एक पासिबल फैमिली ड्रामा फिल्म है जहाँ पे उसमें अच्छे खासे मोमेंट्स भी है एक सनसिकवन से कुछ एलिवेशन वाले सीन देखने को मिलेंगे जो फैंस को जरूर एंटरटेन करेंगे इसके अलावा इस फिल्म का रन टाइम थोड़ा छोटा होता बेहतर होता अदरवाइज काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी जो फिल्म में देखने लायक है एक बार देखी जा सकती है और इस फिल्म के रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को रिलीज किया गया था ग्यारह जनवरी दो को तमिल में तेरह जनवरी दो को हिंदी में वहीं पे चौदह जनवरी दो को तेलुगु वर्जन में तो ही अलग अलग रिलीज डेट के ऊपर इस फिल्म को रिलीज किया गया था जहां पे तमिल तेलुगु और हिंदी तीनों ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला हुआ है इस फिल्म आई एम डीबी करीबन फिलहाल में बाईस हजार वोट मिले हुए हैं जिसमें सात पॉइंट एक ही अच्छी रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहां पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला लेकिन जो बॉक्स ऑफिस है उसने तो छप्पड़ फाड़ कलेक्शन करके दिया हुआ है और इसी वजह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के मामले में एक अच्छे खासे रिकॉर्ड दर्ज किए हुए और ये सभी चीजें फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से एक लंबे रन के साथ अगर ये चलती है तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक बड़ा कलेक्शन कर सकती है वैसे हिंदी में इस फिल्म तो के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो तमिलनाडु में पहले दिन करीब इस फिल्म ने 20 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था दूसरे दिन करीबन पौने नौ करोड़ का तीसरे दिन सात करोड़ 11 लाख का चौथे तो दिन सात करोड़ चौबीस तो लाख का इस तरह से इस फिल्म ने करीबन बयालीस करोड़ तिरपन लाख का कलेक्शन किया हुआ है तमिल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म ने वो फिल्म के साथ एक क्रेज किया हुआ था वैसे फिल्म को काफी अच्छी खासी प्राइस में बेचा हुआ है सभी वर्जन में वहीं पे तेलुगु वर्जन ने भी फिल्म का एक स्टार्ट लिया हुआ है वैसे इस फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड ग्रोथ कलेक्शन अभी तक बताया जा रहा है सभी दिनों का वो करीबन 125 करोड़ 100 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है इसमें कितने क्या ऊपर नीचे वो आने वाले समय में पता चलेगा अब हम बात करें इस फिल्म के ओ टी के ऊपर तो इस फिल्म के तमिल

जब हिंदी डब में रिलीज किया जाएगा तब देखने वाली बात करवाया जाता है या नहीं के करें तो की, और तेलुगु वर्जन की जो चैनल है वहाँ पे इस फिल्म को वारिस और वारास नाम के साथ बिल्कुल फ्री में तमिल और तेलुगु वर्जन में प्रीमियर करवाया जाएगा वहीं पर इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन को रिलीज के पांच सात महीने के बाद आप ऑफिशियली गोलवाइन के टेलीविजन चैनल के

जहाँ पे तेलगु और हिंदी डब्ड वर्जन है तमिल ओरिजिनल फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया पेड़ी फिल्म हरी आशीसो ने इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग और स्क्रीन प्ले में मदद की हुई है इस फिल्म को प्रोड्यूस किया दिल राजू और सीरीज़ ने जिन्होंने अपने प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 200 से 300 करोड़ के बजट में हुई है इस फिल्म को सड़सठ मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे से मिनट के देखने को मिलेगी जहाँ पे इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट में थमन एस एस ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज करके दिए हुए इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स है वो टी सीरीज वालों ने अपने पास रखे हुए तमिल तेलुगु हिंदी सभी वर्जन के लिए वहीं पे इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी है श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन और पीवीपी सिनेमास इस फिल्म का डिस्ट्रीब्यूट की करवाया हुआ है तमिल वर्जन में सेवन स्क्रीन स्टूडियो और रेड जैंट मूवीज ने मिलकर वहीं पे हिंदी वर्जन को डिस्ट्रीब्यूट किया, किया रिलीज करवाया गया तो इस इस था लीड कास्ट की बात करें तो तलपति विजय आपको विजय राजेंद्र के रोल में देखने को मिलेंगे लीड एक्ट्रेस के तौर रश्मि का मंदना देखने को मिलेगी जिन्होंने दिव्या का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे शरद कुमार आपको राजेंद्र पालना स्वामी के रोल में देखने को मिलेंगे प्रभु ने, ने डॉक्टर आनंद का रोल प्ले किया हुआ है किया हुआ एस जे सूर्या को आदित्य मित्तल का रोल दिया गया था योगी बाबू खिच्चा के रोल में देखने को मिलेंगे संगीता क्रिस ने इस फिल्म में आरतिका का रोल प्ले किया हुआ है संयुक्ता सनमुगनाथन ने इस फिल्म में अजय की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे संजना तिवारी ने रिया का रोल प्ले किया हुआ था नंदनी राय ने इस फिल्म में स्मिता का रोल प्ले किया हुआ है गणेश वेटरी मारन ने इस फिल्म में मुकेश का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे श्रीमन ने थम्बी दुराई का रोल प्ले किया हुआ है वी टीवी गणेश को वेलराज का रोल दिया गया था मीम ने द यूनियन लीडर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा भरत रेड्डी भी देखने को मिलेंगे हर्षिता अद्विता ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे संजना सरत ने इस फिल्म में विजय का फ्रेंड प्ले किया हुआ है विजय का एक और फ्रेंड था जिसका रोल सती

तो इस फिल्म को थलपति विजय 66 की टाइटल के साथ अनाउंस किया गया था 26 सितंबर 2021 को जहां पे ये थलपति की छ छठवीं फिल्म थी वहीं पे वाम से पेडीवेली पहली बार किसी तमिल फिल्म को डायरेक्ट करेंगे साथ ही में दिलराजू काफी लंबे समय के बाद इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले पहली बार वहीं पे पेडीपेलि ने तमिल तेलुगु कई पहले थोला करके फिल्म बनाई हुई थी 2016 में कारती और नागार्जुन को लेकर जहां पे इस फिल्म को वो पहले ही अनाउंस करने वाले थे लेकिन कोविड की वजह से चीज़ें सब बिगड़ गई और उसके बाद में कोविड के बाद इस फिल्म को थोड़ा लेट अनाउंस किया गया था तो इस तरह से फिल्म की अनाउंसमेंट की गई थी बाद में इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर काम किया गया टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर काम किया गया वैसे तो प्रोड्यूसर ने कहा था कि फिल्म पहले महेश बाबू अल्लू अर्जुन प्रभाष रामचरण इन सभी को ऑफर किया गया था लेकिन ये सभी एक्टर अपनी कोई ना कोई फिल्म के साथ बीच जैसे वो इस फिल्म को बाद में तमिल सुपरस्टार के साथ बनाने का फैसला लिया और इस तरह से इस फिल्म की कास्टिंग को तैयार किया गया जहाँ पे एक्ट्रेस के तौर पे का से, तो से कास्टिंग को पूरी तरह से कम्पलीट करवाया गया उसके बाद में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करवाई गई थी जो पूजा सेरेमनी थी वो फिल्म की रखी गई थी छह अप्रैल दो को चेन्नई में फिल्म का पहला शेड्यूल है वहीं पे सेट किया गया था ईस्ट कोस्ट रोड चेन्नई Amen. जहां पे उसको 15 अप्रैल तक कंप्लीट करवाया गया था उसके बाद में इस फिल्म को हैदराबाद में 75 परसेंट शूट करने का फैसला लिया था लेकिन विजय ने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट की कि वो इस फिल्म को तमिल में बनाए जिसके चलते जो तमिल के जो वर्कर है यानी कि फिल्म के लिए जो असिस्टेंट डायरेक्टर होते टेक्निकल टीम के वर्कर है उनके पास कोविड के बाद थोड़ा कुछ प्रॉपर काम मिलेगा जिसके चलते उनका रोजाना चल पाएगा तो इन सभी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए बाद में फिल्म को पूरी तरह से चेन्नई में सेट किया गया uh -huh. तीन जून को एक नया शेड्यूल स्टार्ट किया गया था चेन्नई में वैसे तो फिल्म को हैदराबाद में भी शूट किया हुआ था वहीं वही फिल्म को जुलाई 2021 सॉरी 22 तक पूरी तरह से करीब 50 परसेंट जितनी शूटिंग कंप्लीट करवाई गई थी और इस फिल्म को काफी अलग अलग लोकेशंस में शूट किया हुआ था हैदराबाद में भी इस फिल्म का करीबन तीन से चार वीक का शेड्यूल रखा हुआ था वो करीबन चौथा शेड्यूल था उसके बाद विशाखापट्टनम में इस फिल्म को लेट जुलाई में स्टार्ट किया हुआ था और अगस्त में इस फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से लंबे पैमाने पर तैयार करने की फैसला

केमिकी पोनु पांचवा गाना वाथ लाव इसके अलावा एक एक्सटेंडेड केमियो एक्सटेंडेड साउंड ट्रैक है जिसका नाम है सेलिब्रेशन ऑफ वारिस होती है सभी गाने आपको फिलहाल में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को और देखने को मिल जाएंगे अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर राजेंद्र यानी कि शरद कुमार एक रिनोव बिजनेस मैन है काफी बड़े बिजनेस मैन है जहाँ पे वो उसके हैंड ओवर कर देते ग्रुप ऑफ कंपनीज उसके एक बेटे के नाम जहाँ पे दो बेटे उसके एक है श्याम दूसरा है श्रीकांत राजेंद्र का तीसरा बेटा भी है जिसका नाम है विजय राजेंद्र जो रोल विजय प्ले कर रहे है वही पे वहाँ पे कुछ अंडरस्टैंडिंग का इश्यू होता है विजय फैमिली से काफी अलग और दूर रहता है जब राजेंद्र डिसाइड करता है कि उसकी जो ये वारिस कौन बनेगा उसकी प्रॉपर्टी कौन संभालेगा तब इन सभी चीजों में फैमिली के टुकड़े हो जाते हैं। अब ये सभी चीज़ें विजय के हाथ में जाती है वो किस तरह से इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करेगा फैमिली को किस तरह से इकट्ठा करता है और इस्यू फैमिली इश्यू को कैसे सोल्व करेगा वही फिल्म की कहानी बनाती है वंस अगेन तलपते विजय अपने एलिमेंट्स के साथ अपने परफॉर्मेंस के साथ हमें बढ़िया तरीके से एक अच्छे खासे तरीके से एंटरटेन करते हुए नजर आते प्रॉपर फैमिली ड्रामा फिल्म थी जहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार थी उनके वन लाइनर्स पंच डायलॉग एक्शन सिक्वेंस उनका स्क्रीन प्रेजेंस उनकी कॉमेडी टाइमिंग काफी बढ़िया तरीके से उन्होंने हैंडल की हुई थी सेंटीमेंट सीन थे वहाँ पे वो काफी बढ़िया थे इसके अलावा कुछ ला इस फिल्म में लाइटर नोट के साथ इमोशनल वर्क सीन भी वर्क कर जाते जो काफी बढ़िया थे इसके अलावा सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने भी काफी बढ़िया काम किया हुआ था फिल्म के एक्शन सिक्वेंस को जो फैमिली ड्रामा है उसको अच्छी तरह से हैंडल और एलिवेट किया हुआ था हाँ फिल्म की कहानी है जो रन टाइम है वो काफी लंबा है प्रिडिक्टेबल है इसके अलावा इस फिल्म की कहानी में जिस तरह से जो चीजें दिखाई हुई है वो काफी रूटीन और प्रिडिक्टेबल नजर आती है जिस तरह से नेरेट किया हुआ है वो नेरेटिंग स्टाइल पुरानी नजर आती है गानों को और छोटा किया जा सकता था कम गाने डाल सकते थे वीएफएक्स थोड़ा बेटर किया जा सकता था रश्मिका मंदना का परफॉर्मेंस और बेहतर हो सकता था तो ये सभी चीजें जो फिल्म में बेटर की जा सकती थी वैसे तो रश्मि रश्मिका के पास वैसे कोई कुछ खास स्क्रीन स्पेस भी नहीं था कि उसमें वो करके दिखा पाए कुछ इसके अलावा इस फिल्म का जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो काफी हाई है प्रोडक्शन डिजाइन फिल्म के हर एक फ्रेम काफी ज्यादा रिच नजर आ रही थी प्रोडक्शन वैल्यू काफी मैग्फिसेंट नजर आ रही थी एक लंबे और बड़े स्केल के साथ इस फिल्म को बनाया हुआ था विजुअल्स काफी कलरफुल और काफी बढ़िया नजर आ रहे थे एक अच्छे खासे वाइब दे रहे थे सिनेमेटोग्राफर ने इन सभी चीजों को काफी बेहतर वे में कैप्चर किया हुआ है जिस तरह से इस फिल्म में विजय को जिस तरह से इस फिल्म में लोकेशन को उन्होंने शोकेस किया हुआ था फिल्म के मूड को जिस तरह से कैप्चर किया हुआ था वो बढ़िया था म्यूजिक में एस एस ने

उन्होंने रन टाइम काफी ज्यादा लंबा रख दिया जिस वजह से ये सभी चीजें थोड़ी कसोट होती तो और बेहतर हो सकती थी ओवरऑल वारिस एक पासेबल फैमिली ड्रामा फिल्म है पे उसमें अच्छे खासे मोमेंट्स भी है एक सन सिक्वन से कुछ एलिवेशन वाले सीन देखने को मिलेंगे जो फैंस को जरूर एंटरटेन करेंगे इसके अलावा इस फिल्म का रन टाइम थोड़ा छोटा होता बेहतर होता अदरवाइज काफी सारी चीज़ें ऐसी जो फिल्म देखने लायक है एक बार देखी जा सकती है वारिस फिल्म की रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को रिलीज किया गया था ग्यारह जनवरी दो को तमिल में तेरह जनवरी दो को हिंदी में वहीं पे चौदह जनवरी दो को तेलुगु वर्जन में तो ही अलग अलग रिलीज डेट के ऊपर इस फिल्म को रिलीज किया गया था जहां पे तमिल तेलुगु और हिन्दी तीनों ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ है इस फिल्म को आई एम डीवी कर बाईस हजार वोट मिले हुए जिसमे सात पेट एक अच्छी रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहां पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला लेकिन जो बॉक्स ऑफिस है उसने तो छप्पड़ फाड़ कलेक्शन करके दिया हुआ है और इसी वजह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के मामले में एक अच्छे खासे रिकॉर्ड दर्ज किए हुए और ये सभी चीजें फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से एक लंबे रन के साथ अगर ये चलती है तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक बड़ा कलेक्शन कर सकती है वैसे हिंदी वर्जन में इस फिल्म ने पहले दिन सिर्फ साठ लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ है रिलीज तो अच्छी मिली हुई है ये फिल्म के द्वारा करीबन हजार पंद्रह इस फिल्म को शो दिलवाए गए तो एक अच्छे शो है वैसे इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो तमिलनाडु में पहले दिन करीबन इस फिल्म ने 20 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था दूसरे दिन करीब पौने नौ करोड़ का चौथे दिन सात करोड़ चौबीस लाख का इस तरह से इस फिल्म ने करीबन बयालीस करोड़ तिरपन लाख का कलेक्शन किया हुआ है तमिल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर जहां पे इस फिल्म ने चुने फिल्म के साथ एक क्रेस किया हुआ था वैसे वारिस फिल्म को काफी अच्छी खासी प्राइस में बेचा हुआ है सभी वर्जन में वहीं पे तेलुगु वर्जन ने भी फिल्म का एक डिसेंट स्टार्ट लिया हुआ है वैसे इस फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन अभी तक बताया जा रहा है सभी दिनों का वो करीबन 125 करोड़ 100 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है अब इसमें कितने क्या ऊपर नीचे वो आने वाले समय में पता चलेगा अब हम बात करें इस फिल्म के ओ टी के ऊपर तो इस फिल्म के तमिल तेलुगु वर्जन के जो सैटेलाइट राइट्स है वो सन टीवी के पास है राइट्स से वो है प्राइम वीडियो के पास है वहीं पे हिंदी वर्जन के राइट्स गोल्ड वालों ने खरीदे हुए टेलीविजन के और ओटीटी के अब देखने वाली बात ये कि वो ओटीटी के राइट्स अमेजोन को बेचते हैं या अपने पास के यूट्यूब पे उस फिल्म को रिलीज करवाते हैं वो आने वाले समय में पता चलेगा तो अब इस फिल्म को जब कभी भी थिएटर से हटाया जाएगा करीबन दो ढाई महीने के बाद इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो के ऊपर तमिल तेलुगु वर्जन में वारिस और वारासडू नाम के साथ विथ इंग्लिश सब टाइटल को मिलेगी साथ ही में इस फिल्म को जब हिंदी डब में रिलीज किया जाएगा तब देखने वाली बात यह कि गोलमेंस के द्वारा इसको अमेजोन पे प्रीमियर करवाया जाता है या नहीं अदरवाइज सेटेलाइट के ऊपर बातचीत करें तो सन पिक्चर्स की तमिल और तेलुगु वर्जन की जो चैनल है वहां इस फिल्म को वारिस और वारासडू नाम के साथ बिल्कुल

ये एक 2023 की इंडियन तमिल लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको तमिल में वारिस नाम दिया हुआ है तेलुगु में और हिंदी में सेम नाम यानी कि वारिस जहाँ पे तेलुगु और हिंदी डब्ड वर्जन है तमिल ओरिजिनल है फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया पेड़ी ने हरी और सोलोमन ने इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग और स्क्रीन प्ले में मदद की हुई है

इस फिल्म के जो म्यूजिक के राइट वो टी सीरीज़ वालों ने अपने पास रखे हुए तमिल, तेलुगु हिंदी सभी वर्जन के लिए वहीं पे इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन और पीवीपी सिनेमास इस फिल्म का डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ है तमिल वर्जन में सेवन स्क्रीन स्टूडियो और रेड जाइंट मूवीज ने मिलकर वहीं पे हिंदी वर्जन को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ, हुआ रिलीज करवाया गया तो इस इस था लीड कास्ट की बात करें तो तलपति विजय आपको विजय राजेंद्र के रोल में देखने को मिलेंगे लीड एक्ट्रेस के तौर रश्मि का वंदना देखने को मिलेगी जिन्होंने दिव्या का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे शरद कुमार आपको राजेंद्र पालना स्वामी के रोल में देखने को मिलेंगे प्रभु ने डॉक्टर रोल प्ले किया हुआ है एस जे सूर्या को आदित्य मित्तल का रोल दिया गया था योगी बाबू किच्चा के रोल में देखने को मिलेंगे संगीता क्रिस ने इस फिल्म में आरतिका का रोल प्ले किया हुआ है संयुक्ता सनमुगनाथन ने इस फिल्म में अजय की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे संजना तिवारी ने रिया का रोल प्ले किया हुआ था नंदनी राय ने इस फिल्म में स्मिता का रोल प्ले किया हुआ है गणेश वेटरी ने इस फिल्म में मुकेश का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे श्रीमन ने तम्बी दूरा का रोल प्ले किया हुआ है गणेश को वेलराज का रोल दिया गया था मीम ने द यूनियन लीडर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा भरत रेड्डी भी देखने को मिलेंगे हर्षिता अद्विता ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे संजना सरत ने इस फिल्म में विजय का फ्रेंड प्ले किया हुआ है विजय का एक और फ्रेंड था जिसका रोल सती

तो इस फिल्म को थलपति शिक्षि शिकवर की टाइटल के साथ अनाउंस किया गया था 26 सितंबर 2021 को जहां पे ये थलपति की छाछवीं फिल्म थी वहीं पे वामसी पेड़ी वेली पहली बार किसी तमिल फिल्म को डायरेक्ट करेंगे साथ ही में दिलराजू काफ़ी लंबे समय के बाद इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले पहली बार वहीं पे पैडी पेली ने तमिल तेलुगु के पहले थोला करके फिल्म बनाई हुई थी दो में कार्ती और नागार्जुन को लेकर जहाँ पे इस फिल्म को वो पहले ही अनाउंस करने वाले थे लेकिन

जहां पे उसको 15 अप्रैल तक कंप्लीट करवाया गया था उसके बाद में इस फिल्म को हैदराबाद में 75 परसेंट शूट करने का फैसला लिया था लेकिन विजय ने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट की कि वो इस फिल्म को तमिल में बनाए जिसके चलते जो तमिल के जो वर्कर है यानी कि फिल्म के लिए जो असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं टेक्निकल टीम के वर्कर है उनके पास कोविड के बाद थोड़ा कुछ प्रॉपर काम मिलेगा जिसके चलते उनका रोजाना चल पाएगा तो इन सभी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए बाद में फिल्म को पूरी तरह से चेन्नई में सेट किया गया Uh -huh. तीन जून को एक नया शेड्यूल स्टार्ट किया गया था चेन्नई में वैसे तो फिल्म को हैदराबाद में भी शूट किया हुआ था वहीं फिर फिल्म को जुलाई 2021 सॉरी 22 तक पूरी तरह से करीब 50 परसेंट जितनी शूटिंग कंप्लीट करवाई गई थी और इस फिल्म को काफी अलग अलग लोकेशंस में शूट किया हुआ था हैदराबाद में भी इस फिल्म का करीबन तीन से चार वीक का शेड्यूल रखा हुआ था वो करीबन चौथा शेड्यूल था उसके बाद विशाखापट्टनम में इस फिल्म को लेट जुलाई में स्टार्ट किया हुआ था और अगस्त में इस फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से एक लंबे पैमाने पर तैयार करने की फैसला लिया गया था इस फिल्म को तमिल व तेलुगु में बनाने वाले थे लेकिन तेलुगु वजन को ट्रॉप करते तेलुगु में डब किया गया बाद में फैसला लिया गया कि इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा फिल्म के अलग अलग लोकेशन में शूट किया गया

उसके एक बेटे के नाम जहाँ पे दो बेटे उसके एक है श्याम दूसरा है श्रीकांत राजेंद्र का तीसरा बेटा भी है जिसका नाम है विजय राजेंद्र जो रोल विजय प्ले कर रहे हैं वहीं पे वहाँ पे कुछ अंडरस्टैंडिंग का इश्यू होता है विजय फैमिली से काफी अलग और दूर रहता है जब राजेंद्र डिसाइड करता है कि उसकी जो ये वारिस कौन बनेगा उसकी प्रॉपर्टी कौन संभालेगा तब इन सभी चीजों में फैमिली के टुकड़े हो जाते अब ये सभी चीज़ें विजय के हाथ में जाती है वो किस तरह से इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करेगा फैमिली को किस तरह से इकट्ठा करता है और इस्यू फैमिली इश्यू को कैसे सोल्व करेगा वही फिल्म की कहानी बनाती है वंस अगेन थलपते विजय अपने एलिमेंट्स के साथ अपने परफॉर्मेंस के साथ हमें बढ़िया तरीके से एक अच्छे खासे तरीके से एंटरटेन करते हुए नजर आते हैं प्रॉपर फैमिली ड्रामा फिल्म थी जहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस काफी शानदार थी उनके वन लाइनर्स पंच डायलॉग एक्शन सीक्वेंस उनका स्क्रीन प्रेजेंस उनकी कॉमेडी टाइमिंग काफी बढ़िया तरीके से उन्होंने हैंडल किए हुई थी सेंटीमेंट सीन थे वहाँ पे वो काफी बढ़िया थे इसके अलावा कुछ इस फिल्म में लाइटर नोट के साथ इमोशनल वर्क सीन भी वर्क कर जाते जो काफी बढ़िया थे इसके अलावा सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने भी काफी बढ़िया काम किया हुआ था फिल्म के एक्शन सिक्वेंस को जो फैमिली ड्रामा है उसको अच्छी तरह से हैंडल एलिवेट किया हुआ था हाँ फिल्म की कहानी है जो रन टाइम है वो काफ़ी लंबा है प्रिडिक्टेबल है इसके अलावा इस फिल्म की कहानी में जिस तरह से जो चीज़ें दिखाई हुई है वो काफ़ी रूटीन और प्रिडिक्टेबल नज़र आती है जिस तरह से नेरेट किया हुआ है वो नेरेटिंग स्टाइल पुरानी नज़र आती है गानों को और छोटा किया जा सकता था कम गाने डाल सकते थे वीएफएक्स थोड़ा बेटर किया जा सकता था रश्मिका मंदना का परफॉर्मेंस और बेहतर हो सकता था तो ये सभी चीज़ें जो फिल्म में बेटर की जा सकती थी वैसे तो रश्मि रश्मिका के पास वैसे कोई कुछ खास स्क्रीन स्पेस भी नहीं था उसमें वो करके दिखा पाए कुछ इसके अलावा इस फिल्म का जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो काफी हाई प्रोडक्शन आ रही थी, काफी नजर आ रही थी। एक लंबे और अच्छे खासे वाइब दे रहे थे सिनेमेटोग्राफर ने इन सभी चीजों को काफी बेहतर वे में कैप्चर किया हुआ है जिस तरह से इस फिल्म में विजय को जिस तरह से इस फिल्म में लोकेशन को उन्होंने शोकेस किया हुआ था फिल्म के मूड को जिस तरह से कैप्चर किया हुआ था वो बढ़िया था म्यूजिक में एस एस थमन ने

उन्होंने रन टाइम काफी ज्यादा लंबा रख दिया जिस वजह तो और और से मिलेंगे जो को जरूर करेंगे। इसके अलावा इस फिल्म का रन टाइम थोड़ा छोटा होता बेहतर होता अदरवाइज काफी सारी चीजें ऐसी जो फिल्म है, देखने लायक एक बार देखी जा सकती है वारिस फिल्म के रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म को रिलीज किया गया था ग्यारह जनवरी जनवरी 2023 को तमिल में 13 जनवरी 2023 को हिंदी में वहीं पे 14 जनवरी 2023 को तेलुगु वर्जन में तो ही, अलग अलग रिलीज डेट के ऊपर इस फिल्म को रिलीज किया गया था जहां पे तमिल तेलुगु और हिंदी तीनों ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पॉन्स मिला हुआ है इस फिल्म को आई एम डी करीबन फिलहाल में बाईस हजार वोट मिले हुए जिसमे सात पॉइंट एक की अच्छी रेटिंग हासिल हुई है दस में से जहां पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला लेकिन जो बॉक्स ऑफिस है उसने तो छप्पड़ फाड़ कलेक्शन करके दिया हुआ है और इसी वजह से इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के मामले में एक अच्छे खासे रिकॉर्ड दर्ज किए हुए और ये सभी चीजें फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से एक लंबे रन के साथ अगर ये चलती है तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक बड़ा कलेक्शन कर सकती है वैसे हिंदी वर्जन में इस फिल्म ने पहले दिन सिर्फ साठ लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ है रिलीज तो अच्छी मिली हुई है ये फिल्म के द्वारा करीबन हजार इस फिल्म को शो दिलवाए गए तो एक अच्छे शो है वैसे इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो तमिलनाडु में पहले दिन इस फिल्म ने 20 करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था दूसरे दिन करोड़ का तीसरे दिन करोड़ ग्यारह लाख का चौथे दिन सात करोड़ चौबीस लाख का इस तरह से इस फिल्म ने करीबन बयालीस करोड़ तिरपन लाख का कलेक्शन किया हुआ है तमिल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर जहाँ पे इस फिल्म ने चुने फिल्म के साथ एक क्रेज किया हुआ था वैसे वारिस फिल्म को काफी अच्छी खासी प्राइस में बेचा हुआ है सभी वर्जन में वहीं पे तेलुगु वर्जन ने भी फिल्म का एक डिसेंट स्टार्ट लिया हुआ है वैसे इस फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन अभी तक बताया जा रहा है सभी दिनों का वो करीबन 125 करोड़ 100 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है अब इसमें कितने क्या ऊपर नीचे वो आने वाले समय में पता चलेगा अब हम बात करें इस फिल्म के ओ टी के ऊपर तो इस फिल्म के तमिल

देखने को मिलेगी। साथ ही में इस फिल्म को जब हिंदी डब में रिलीज किया जाएगा तब देखने वाली बात करवाया जाता है या नहीं तो तमिल और तेलुगु वर्जन की जो चैनल है वहां पे इस फिल्म को वारिस और नाम के साथ बिल्कुल फ्री में तमिल और तेलुगु वर्जन में प्रीमियर करवाया जाएगा वहीं पर फिल्म के हिंदी डब वर्जन को रिलीज के पांच सात महीने के बाद आप ऑफिशियली गोलमाइंस के टेलीविजन चैनल के ऊपर पर इसको एंजॉय कर पाओगे तो इस तरह से अमेजोन प्राइम सन टीवी के इस फिल्म को तमिल तेलुगु और हिंदी वर्जन में प्रीमियर करवाया तो कर पाओगे तो बस गए फिल्म, थी थी, फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है फिल्म का एक डीप रिव्यू किया हुआ है जहाँ पे मैंने कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके दी हुई है फिल्म की स्टार का सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंस के बारे में बातचीत की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी जानकारी दे है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू